बहुत रिफ्रेशिंग है, गारंटी किसी के मुंह पे मत।
कुंडली मत खड़का शुरुआत सवालों ये की पोशाक है हां ये बात अरे और ऊपर हां वो चलता रहेगा ओवर हुए हैं और हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और हम लोग और भी एपिसोड करना चाहते हैं और सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं और एक दूसरे की आदत पड़ गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। शोमा जी, अनूप सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भाई 500 एपिसोड की यात्रा अब तक बहुत ही कमाल की रही और बहुत अच्छे 2 साल हमने गुजारे हैं एक साथ, खूब हंस के, खूब खुशियों के साथ और बड़ा मज़ा ले लेकर के हमने ये मेहनत की और आप लोगों ने अप्रिशिएट की। जो हमारी ऑडियंस है उसने हमें इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आपका अगर प्यार बना रहा तो शायद अगली बार हम 1000 एपिसोड का भी केक काटें। तो बहुत क्या बोलते हैं, और आगे क्या क्या मिलेगा ये आप लोग देखते हैं। शोभा क्या बोलती हो? अरे मतलब बहुत ही अमेजिंग सी जर्नी रही है क्योंकि हमने हंसते खेलते पूरा 2 साल ऑलमोस्ट गुजार दिए हैं और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्नी इतनी खूबसूरत स्मूथली निकल जाएगी, बट ये तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑफ कोर्स यू गाइस बिकॉज आप अगर इतना प्यार नहीं देते तो ऑब्वियसली हमारी जर्नी इतनी लंबी नहीं हो पाती एंड ऑफ कोर्स द एंटायर टीम इज सो पॉजिटिव एंड सो नाइस दैट हर दिन हमें एक्चुअली मन होता है वी वेक अप एंड लाइक वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क। जैसे छुट्टी होती है उसने ऐसा होता है आज क्या करेगा, आज चीजें ठीक हमने भी जाना है, आज क्या अलग होने वाला, कुछ तैयारियां की हैं पीछे तैयारियां और इलायची वाली चाय बनने वाली है। ये वाली नहीं, हरी वाली इलायची। पंचम आप क्या बनाने वाले हैं? कुछ भी इलायची वाली चाय बना रही है। हाँ तो ये इलायची वाली चाय बनाने वाली है और मैं लोगों को पकोड़े खिलाने वाला हूँ अपने हाथों से और ये पकोड़े भी शायद आप ही ने बनाए हैं ना? हाँ यार सब मैं कर रही हूँ। हाँ ये केटर, ये वो है मेरे केटर मैं शेफ हूँ, ये केटर। जी बिल्कुल आइए पिंटू और राशि, प्लीज बताइए कैसा लग रहा है 500 एपिसोड रोमांटिक जोड़ी, ये हमारे शो की बहुत काफी रोमांटिक जोड़ी सबसे ज्यादा रोमांस का पॉलिसी है। देखिए इतनी रोमांटिक जोड़ी है कि 2 साल से लगे पड़े हैं पति पत्नी और वो पुत्री। अरे ये क्या हुआ, पोल खुल गई? पोल खुल जाएगी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात ये है कि हम लोग सब लोग जो कर रहे हैं हमारे दर्शक उसे बड़े अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं, सब इतना प्यार दे रहे हैं जो हम लोग यहाँ तक आ गए और उम्मीद है कि और आगे तक चलते जाएंगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी पूरी टीम जो मतलब ऑफ कैमरा टीम और ऑन कैमरा टीम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं और चैनल सोनी सब जिसने हम लोगों को इतना ज़्यादा हम पे भरोसा करके ये शो जो है लगातार पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं उसका। और भी एक्टिविटीज देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही आपसे धन्यवाद कहना चाहते हैं, जीजा जी की लैंग्वेज में कहूँ तो हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया दैट वी कंप्लीटेड 500 एपिसोड्स टुडे। आई एम ग्लैड कि हम आपको इतने पसंद आए, हम आपको एंटरटेन कर पाते हैं, इस तरीके से हंसा पाते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमने आज केक काटा और इलायची वाली स्पेशल चाय बनाई, पकौड़े बनाए टू सेलिब्रेट। आई थिंक दिस हाउ वी सेलिब्रेट इन चांदनी चौक राइट? यस बिल्कुल। ओके सर आपसे जानना चाहेंगे लेकिन कि इलायची वाली चाय तो बना दी, कैसी लगी? आप तो पी ही रहे हो। मैं तो अभी भी इलायची की इलायची वाली चाय पी रहा हूँ बिकॉज वो इतनी अच्छी है कि मैं कप के बाद कप मंगवाए जा रहा हूँ बिकॉज शी इज़ मेड सच एन ऑसम टी। मतलब क्या बताऊँ, क्या तुम मेरे घर पे भी आके चाय बना सकते हो? बिल्कुल जीजा जी, आप मेरे आप कहाँ क्यों जाते हैं, आप मेरे घर के छत पे ही रहते हैं, ऑब्वियसली आई कैन कम एनी टाइम टू बरसात। हाँ पर आपके जो पापा है ना वो अगर उन्होंने पकड़ लिया तो चाय की जगह दुम्बा बना देंगे हमारा। अरे यार 2 साल से चूना लगा रही हूँ पापा को यार, अब तो समझ जाओ कैसी हूँ मैं। अरे सॉरी आप तो याददाश्त चली, वो उनकी याददाश्त चली गई है ना बेचारे, इनको पता ही नहीं। अच्छा मैं भी भूल जाती हूँ कि इनकी याददाश्त जा चुकी है तो इनको तो ये पता ही नहीं है, इनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। बट यू नो इसके साथ ना नए टंटों की शुरुआत हुई है और पर्सनली हिबा को बहुत गुजारा, लाइक जिस ज़्यादा आई थिंक हिबा को गुजारा जी जी को तंग करने में।
ओके अगर बेस्ट मेमोरीज की बात करें 500 एपिसोड्स में से तो कौन सा एक एपिसोड ऐसा है जो बहुत मेमोरेबल? आई थिंक मुझे सारे एपिसोड्स बहुत पसंद है, बट आई रिमेंबर स्पेशली देयर वाज थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एपिसोड, तीन एपिसोड्स थे जब वी वर शूटिंग फॉर द नागिन सीक्वेंस एंड मैं इनको बोल रही थी कि मैं अच्छाधारी नागिन हूँ एंड आई थिंक एक सीक्वेंस हो गया था जहाँ पे मैं She was playing it really well. शाड़ा कितना बदतमीज है लड़का. एंड मुझे जलपरी वाले में नहीं लग रही थी मैं. जलपरी भी लग रही थी. हाँ मैं जलपरी तो मुझे आई थिंक इस शो में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकूँ. तो आई थिंक मुझे सारे कैरेक्टर्स प्ले करने में मज़ा आया. लाइक कैन बी जलपरी, रिपोर्टर, और यू नो एक छोटी बच्ची का भी किया था मैंने जिसमें मेरी कुछ दिमाग को कुछ चोट लग जाती है. आई एम अ किड लाइक 5 years old. सो इट वॉज सो मच फन थ्रू आउट. आई थिंक पूरी बहुत अमेजिंग रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस जर्नी से. आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो, ब्यूटिफुल शो. निखिल आप क्या कहना चाहिए? आपको संजना वाला जो संजना ख़त्म हो गया. अभी मेन ये है कि पंचम की याददाश्त चलेगी और याददाश्त जाने के बाद ऑब्वियसली पंचम डजंट रिमेंबर कि ये जो हैं इनकी एक टाइम पे पत्नी हुआ करती थी. व्हाट इज एक टाइम पे पत्नी हुआ करती थी? मतलब है ऑफ कोर्स शी इज, बट पंचम डजंट रिमेंबर. मुझे लगता है जानबूझ के बोला यार, आधे ज्यादा मत भूलना चाहते कि उनकी शादी हो चुकी है. व्हाट इज दिस निखिल? अरे पंचम एक्चुअली. तो आई थिंक हमारी याददाश्त चली गई है और हम लोग दोबारा से उस जोन में जा रहे हैं जहाँ पे इलायची दोबारा से पंचम को पटाने की कोशिश कर रही है और पंचम जो है दूर भागता है क्योंकि उसके मालिक की बेटी है. ऊपर से आई डोंट थिंक सो वो उसके लीग में आएगी क्योंकि उसे लगता है कि यार मतलब बिल्कुल करेक्ट सख्त होना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेठ जी की बेटी है. अदरवाइज इट्स एथिकली रॉन्ग. बिल्कुल नहीं. ओके 500 के साथ साथ अगर हम बात करें टू इयर्स भी कंप्लीट करने जा रहे हैं जनवरी में, तो कितनी एक्साइटमेंट है. दो साल हमें हो चुके हैं, दो साल शूट करते करते हम तो शूटिंग मानते हैं. हमारे तो दो साल ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं. हिबा ने मर्सिडीज ले लिए और इन दो सालों में एंड शी इज़ वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स. ओके ऊपर सीन में भी काफ़ी तंग आ गए आज किस बात को लेकर परेशान कर दिया इलायची ने? इलायची हर वक्त आई थिंक तंग करती रहती है. कुछ नहीं, उन्होंने मुझे ना छेड़ा था रास्ते में, बोल रहे हैं आप मुझसे मोहब्बत का नाटक करेंगे. मैंने कहा कि तो बेशरम और इतनी मतलब ऐसी लड़की है. प्लॉट किया था इन्होंने, प्लॉट किया और हमें थप्पड़ भी मारा है क्योंकि हमने जाके इन्हें पूछा कि भाई मतलब बताओ यार, खुद ही फंसा रही है खुद ही. शूट करने में मुझे बहुत मजा आया. हाँ इन्हें लगा कि मैं पूरा प्रॉपर फील अगर मैं ले पाऊँ किसी तरीके से. तो मैं रियल थप्पड़ बहुत अच्छे से मारा, 5-6 बार मैंने आपको रियल थप्पड़. आपको कैसा लगा? नहीं रियल थप्पड़ तो नहीं मारा, इधर सामने से गुजारा है. रियल थप्पड़ तो नहीं पड़ने वाला कभी. बिल्कुल रियल लगा है लेकिन वो. हाँ लगा है क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल थप्पड़ बहुत अच्छा मारती है. इसी के साथ साथ इलायची ने टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ तो रखे हैं. हाँ तो यही बताएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस. बताइए टर्म्स एंड कंडीशंस ये रख रहे थे कि मुझे दुकान जाना, मुझे यहाँ जाना था. आई डोंट वांट देम टू बी लाइक बिजी ऑल द टाइम, आई जस्ट वांट देम टू बी अवेलेबल फॉर मी 24/7. तो ये बताइए कि आप फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारा प्यार दिया है हम आपको, बदले में बहुत 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 सारा एंटरटेनमेंट देते रहेंगे. तो देखना ना भूलें जीजा की छत पर है 10 PM मंडे टू फ्राइडे. थैंक यू सो मच.